हेलो बच्चा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ द डाई नाइट्रोजन एट 5 बार प्रेशर। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, इसमें ये दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात हो रही है, यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे में कोई एक ऑक्साइड है, ठीक है, कोई मान लेते हैं कोई ऑक्साइड है, कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकता है जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसकी डेंसिटी की बात करें, मैं इसको ऑक्साइड को ओ लिख देती हूँ, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन की डेंसिटी के इक्वल है। कब? जबकि ऑक्साइड खुद तो 2 बार प्रेशर पर हो और ये जो डाई नाइट्रोजन है ये 5 बार प्रेशर पे हो। इज दैट क्लियर? तो दूसरा जो एक चेंबर है मान लेते हैं वो नाइट्रोजन का है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमसे पूछा है कि इसका आप मोलर मास फाइंड आउट करो। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। बट क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो एक आइडियल गैस है वो इस तरह की इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और लास्ट क्वेश्चन में हमने डेंसिटी और प्रेशर के बीच में भी एक रिलेशन निकाला था। वो कैसे निकाला था कि n की वैल्यू को आप w बाय mr करके लिखते हैं, ठीक है। और आप भी जानते हो कि जो डेंसिटी होती है वो w बाय वॉल्यूम होती है, यानी कि गिवन मास बाय वॉल्यूम, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर किसी तरह से मैं अगर w बाय v के फॉर्म में इस इक्वेशन को ला सकूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सी। देखो, प्रेशर के साथ बनाना है इसलिए v को दूसरी तरफ लेके चल जाते हैं और n को भी खोल के लिख देते हैं। सो दिस वुड बी w बाय mr, और ये v आपका नीचे आ गया एंड दैट इज RT। और आपको भी पता है कि w बाय v किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनटू RT बाय mr। ठीक है, तो बस देखो यहाँ से अगर मैं इस mr को फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरे को मोलर मास बता देगा इस गैस का। तो मुझे इस mr को फाइंड आउट करना है। और डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी देखो क्या बता रखी है, दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, दोनों के लिए इक्वल है, आर और टी कॉन्स्टेंट होते हैं और प्रेशर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट क्योंकि यहाँ पे दो गैसेस की बात करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा या दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें कि हम जो डेंसिटी है क्योंकि दोनों की इक्वल है उससे दोनों को इक्वेट कर दें। तो मैं लिख देती हूँ डेंसिटी किसके इक्वल हो गया, पी एम आर बाय आर टी। इज दैट क्लियर? जहां पे कि चेंज क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, प्रेशर ऑफ ऑक्साइड एम आर ऑफ ऑक्साइड बाय आर टी। इज दैट क्लियर? आर टी तो देखो कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि टेम्परेचर भी हम कॉन्स्टेंट लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा मेरा नाइट्रोजन है उसके लिए मैं क्या लिख लेती हूँ, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू एम आर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टी। Is that clear? और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो डेंसिटीज हैं वो दोनों सिस्टम की इक्वल हैं। देखो मैंने कह रखा है ना, डेंसिटीज दोनों की इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। सो डेंसिटी ऑफ सॉरी डेंसिटी नहीं, प्रेशर, ये प्रेशर है ना, एक सेकेंड, डेंसिटीज को हम इक्वेट कर चुके हैं तो ये मेरा जो टर्म है ये क्या है, प्रेशर का है। सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय एम आर ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एम आर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय आर टी। देखो आप खुद ही देख सकते हो कि आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा और जो जो भी कुछ अब हमें पता है उसको हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड देखो आपकी कितनी है, सॉरी प्रेशर ऑफ ऑक्साइड वो कितना है, 2, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू एम आर। और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन देखो आपको कितना गिवन है, सो दैट इज 5 इंटू एम आर। अब नाइट्रोजन के लिए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, देखो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। सो एम आर ऑफ नाइट्रोजन इज कितना, 28, ठीक है। अब आई थिंक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सो दिस विल बी 5 इंटू 28 बाय 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14, राइट, और ये 5 इंटू 14 आपका कितना हो गया, सो दैट कम्स आउट टू बी 70। तो 70 जो है वो आपका एटॉमिक मास यूनिट निकल कर आ चुका है फॉर दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड जिसकी की हम बात कर रहे थे। आई होप ये आपको पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। स्पेशली देखो फॉर्मुला सबको पता होते हैं बट उसको अप्लाई किस तरह से करना और क्वेश्चन को समझना किस तरह से है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। ना सिर्फ इसमें, सभी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई एम श्योर कि मैं कुछ हद तक आप लोगों के लिए सक्सेसफुल हुई हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली करना ये था कि डेंसिटी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना था और उसके बाद में जो डेंसिटीज के लिए इक्वेशन है उनको इक्वेट करके आपको मोलर मास को फाइंड आउट करना।
सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ पीवी इक्वल टू एनआर। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैसेस जो कि आसपास में एक दूसरे के साथ रखी जाती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उनके लिए आप अलग अलग पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ में। चलने चेक के रैंक, गुड बाय।